पदाधिकारी होगा, सक्षम जो फोरम होगा उसके निर्णय में वैलिड होगा। निगम मानते हम उसको देखेंगे एक्ट में कि वो सक्षम कौन है। सिंडिकेट है हम लोग कर देंगे इसको, सीनेट है उसको भी कर देंगे, लेकिन अगर गवर्नर साहब होंगे तो हम क्या करेंगे? तब तो हम यहाँ भेजेंगे ना, हम वो बात ना। ये बात हमारा जानना है, हम नहीं जान रहे हैं कि सक्षम फोरम सिंडिकेट ही है या सक्षम फोरम सीनेट ही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ के प्रतिनिधियों द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में हो रहे सिंडिकेट का घेराव किया गया। इस घेराव के विभिन्न मांग इस प्रकार के हैं, महाराजा विधि महाविद्यालय को किसी भी अन्य महाविद्यालय से जोड़ा ना जाए, साथ ही साथ जो भी परीक्षाएं विलंब है उनको शीघ्र लिया जाए। दूसरा कारण यह है कि पिछले सीनेट में जो विनय विश्वविद्यालय हित में लाए गए थे अभी तक वो क्यों नहीं पूरे किए गए, इसकी जवाबदेही किसके पास है। तीसरी मांग है कि 10 जनवरी से होने वाले सीनेट के बैठक में छात्रों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अगर छात्र संघ को नहीं बैठाया जाता है तो राजभवन के आदेशों का उल्लंघन है और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चौथा, स्नातकोत्तर में CBCS के नाम पर छात्रों से अवैध राशि की वसूली की जा रही है, जो तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाया जाए। साथ ही साथ CBCS के नियमों का पालन जब तक नहीं कर रहा है विश्वविद्यालय से कोई अधिकार नहीं कि वह CBCS के द्वारा राशि वसूल करे। स्नातकोत्तर में विश्वविद्यालय की गलती से बहुत छात्रों का रिजल्ट जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है वह सुधार कर छात्रों को दिया जाए। जैसे CBCS सिस्टम लागू हुआ ठीक, उसका दायरा तो बहुत बड़ा होता है ना, ठीक है, लेकिन ये लोग री एडमिशन में ही वो भी बीच में इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घूम रहे थे, तो ज्योग्राफी का मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा तो 3500 समथिंग था, ठीक, और उस पर लड़के कुछ एक लड़के एडमिशन लेने के लिए, ठीक। तो DSW सर हम लोग को रास्ते में मिल गए तो कुछ लड़कों ने बात रखा तो वो सीधे 1000 कम हो गया। वो 1000 कम हो गया, वो 1000 ज्यादा क्यों था, क्यों अचानक 1000 रुपया कम कैसे हो गया? अगर वो नहीं होता तो 1000 × 100 कितना होता है, वो किसके फंड में जाता, कहाँ जाता? नहीं, जैसे ही अगर हमारे पास बात आएगी तो हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, नहीं कैसे ज्यादा ले लेगा बात, देखिए सर वही बात है, इसी चीज को सर समझना है कि मान लीजिए इनकी बात यही इनका कहना है 1000 ज्यादा कैसे ले लिए, उन पर आप कोई कार्रवाई की? हाँ, बिल्कुल, वो मनी कहाँ जा रहा है? CBCS से पढ़ाई नहीं हो रही है तो CBCS का फीस क्यों? कि सभी कॉलेजों का समान फीस हो, कितना बात कर सके पहले से सर दिया गया। जो आपका इशू है उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग डिस्कस वहाँ पर करेंगे। अब जब आपकी बात आई कि बात नहीं मानेंगे, तो बात जो है जो जेन्युइन है फिर वोटिंग करा देंगे। जो जेन्युइन बात है वो मानना पड़ेगा। इस विश्वविद्यालय में ये नहीं होगा कि किसी के मोनोपोली से विश्वविद्यालय नहीं चल रहा है। जेन्युइन बात मान लीजिए है, और अगर मान लीजिए वो नहीं मान रहे भाई चांस, तो हम वोटिंग कराएंगे। हम वही कर रहे हैं, वोटिंग करा देंगे, वोटिंग के हिसाब से होगा। विश्वविद्यालय किसी के मोनोपोली से नहीं चलेगा, मेजोरिटी पर डिसीजन होगा। अब वोट में भी हम पिछड़ जाएंगे तो सर तब फिर हम सर पिछड़ देगा। और जब हम पिछड़ जाएंगे तो बात कर सकते हैं। सुनिए ना, पिछड़ जाएंगे तो आज आपसे हम लोग कह रहे हैं ना, तो कल हम लोगों को कोई मुंह नहीं रहेगा आपके सामने आके कहने के लिए। भारत माता की जय। अगर नहीं मानेंगे तो सीनेट में सारे समस्या है भाई, हम लोग के साथ रहेंगे, आपके साथ हम लोग सीनेट में। सर माफी चाहते समय बोले नहीं देते नाम नहीं आते सर, लेकिन मेरा मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम संजीव श्याम है। जानते हैं आपका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था शिक्षा के क्षेत्र में, पेपर कटिंग में लगा के मैंने राजभवन, और इसमें सभी उसमें एक चीज था, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। राजभवन ने एक लेटर निकाला कि छात्र संघ की पार्टी वही काम करेगी जो अगले चुनाव तक नहीं होता। ये छात्र संघ चुनाव नहीं, हमारी गलती कैसे है? जब तक DSW पे प्रेशर डाल के अपने जो उस समय के वर्तमान थे हमको भंग करने की कोशिश, तब तक 22 तारीख को राजभवन का लेटर आ गया, बॉडी वही काम करेगी। फिर वो मुद्दा आता है कि सीनेट में हम बैठेंगे छात्रों की समस्या को लेकर उठाने के लिए कि नहीं।
ये सबसे बड़ा इशू है। वो इसलिए नहीं बैठने देता है लोग कि हम एक एक रुपए आपको जुड़वा देंगे, कहाँ से कितना पैसा। राजभवन से मान्यता है, हाँ, तो बैठने का कहाँ। तो फिर सर से पूछा जाए किस आधार पे वो लेटर निकाल के दिए बगल में आपके यहाँ। तो हम इस बात को रखिएगा, नहीं रख सर। देखिए दूसरा चीज ये होगा कि हर एक पैसे का सर आपको करोड़ की राशि जाति का है, 17 लाख होगा वो राशि जाति का है। छात्र संघ का चुनाव हुआ, 3 टर्म में एग्जाम लिए, एक टर्म में 1,05,000 छात्रों से 100-100 रुपए लेते हैं, वो एक साल में 1,05,00,000 रुपए होते हैं, वो राशि कहाँ गई। अब खेल में किसी भी साल में 5 लाख से ज्यादा बजट नहीं देते हैं। माननीय अभी हमारे कुल DSW सर हैं, उन्होंने एक अच्छा पहल किया है कि गेम में सभी को भेज रहा है। लेकिन पता कीजिए कि जो बच्चे ढोला ढोएंगे वो मेडल कभी नहीं देंगे। अगर इस विश्वविद्यालय को मेडल चाहिए तो खेल से ली गई राशि खेल पे देना पड़ेगा। अगर हम लोग गलत हैं, अगर हमारा हक है केवल एग्जाम देना रिजल्ट नहीं लेना, तो हम लोग इस विश्वविद्यालय को ताला बंद करते हैं। और आप भी हमारे साथ रहिए, ये विश्वविद्यालय केवल अड्डा बना है दुकान खोलने का, डिग्री आपके बच्चे को अंधा करने के लिए दी जाती है। हम डिग्री लेके अनपढ़ बन जाएंगे इस विश्वविद्यालय में, और 3 साल की डिग्री 6 साल में दी जाती है, ऐसी डिग्री नहीं चाहिए। आप हमारे गार्जियन है, आप हमारे गुरु हैं, हमें अधिकार भवन कहता है वो इस विश्वविद्यालय में पारित होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय राजभवन के अंदर आता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर आता है। जो व्यक्ति विशेष का वो कभी नहीं नियम पालूंगा। राजभवन का, भारत सरकार का, आप लोगों द्वारा पास किया गया, जो आप नियम बनाते हैं, जो इतने बुद्धिजीवी लोग, इतने महान भाव लोग जो नियम बनाते हैं, उसकी मान्यता इस विश्वविद्यालय में नहीं। आज कोई भी पहले का अधिशत द्वारा पास किया गया रेगुलेशन को ही खारिज करते हुए इन्होंने लाकर बंद करने का निर्णय लिया है। तो क्या क्या हो सकता है कि आपके द्वारा जो आज निर्णय पास किया जाएगा इसको भी कल ये भंग करेंगे। बहुत सा बात ऐसा होता है, एक मिनट, बहुत सा बात ऐसा होता है कि मान ली यहाँ से पास की सरकार, ठीक है सर, मुझे पूरे बिहार में शाही इलाकों ले चलता है, लेकिन शाही बात नहीं हुआ है, कुलपति महोदय ने। सर अभी लाख के बारे में हम लोग सच्चा जानते हैं, हमें जो जानना चाहे, हम पढ़ रहे हैं, तो जो ये एक बार काउंसिल का नियम है कि जिस आप बार काउंसिल से पढ़े, आप कहीं से लाख किए होंगे, चाहे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग तभी डिग्री सबमिट करते हैं, तभी फॉर्म डाल सकते हैं, वो कभी फॉर्म नहीं डाल सकते महाराजा लाख वाले पे, कहते उसको बार काउंसिल ने बंद कर दिया। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आरा में परमानेंट एकमात्र लॉ कॉलेज है, वो उसका नाम है महाराजा लॉ कॉलेज, जो गांधी राय सर वो पास किया कि इसको विभाग ना बना के, उन्होंने ICC सर ने केस किया, राजभवन पे उनका केस हुआ, 3 साल के बाद डिग्री मिली कि महाराजा लॉ कॉलेज को हटा के सर डिपार्टमेंट हटा के कॉलेज बनाया जाए, 5 कक्षाएं दी गई, उसका पैसा भी भारत सरकार से आता है। अगर कोई कॉलेज गलत है तो उसको राजभवन पैसा क्यों देगा, सोचने का विषय। दूसरा चीज, ये जो कॉलेज है जो सासाराम में है, जो जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना उनको सीट मिलेगा, तो चाहेंगे कि कोई कॉलेज बड़ी रकम दे किसी अधिकारी को, हमारे पास ये भी लड़के आ जाए, परमानेंट को बंद करा दें, जो सरकारी कॉलेज को आपके सामने नंगा नाच चल रहा है। ये सारे चीज सोचना, आप गार्जियन है, अगर आप आज हमारे साथ हैं, अगर आप चाहते हैं कि भोजपुर के इस पूरे शाहबाद के छात्रों का कल्याण हो, तो आप लोग हमें सहयोग कीजिए। ये करबद्ध निवेदन है हमारी कि ये विश्वविद्यालय में बस आप उसी समय आपको बुलाया जाता है जब आपसे कभी बड़ा चीज पैसा पास कराना होता है, बीच में आपको कभी नहीं बुलाते। हर डिपार्टमेंट में क्या चलता है, दिल का है क्या भाई, तो सेमिनार है किसके लिए है, भोज भात के लिए। जितने छात्रों को डिग्री मिलेगी, कोई सिंडिकेट नहीं आता है, कोई सीनेट नहीं आता है, किस लिए सेमिनार करा रहे हैं, कहाँ का सेमिनार। जो छात्र पढ़ते हैं जिस डिपार्टमेंट में, तो वही गायब रहते हैं। ये सारे चीज सोचने का विषय, हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, आपसे लड़ना है, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपके आपसे तो लड़ेंगे, ये हमारा अधिकार है, लेकिन सर लोगों से आप क्या लड़ाई। मेरे बात को अंदर जाके रखिएगा, इसलिए हम लोग गंभीरता से कुलपति महोदय को भी बुला रहे हैं कि उनके सामने ये बात हो। जो भी एक तो आप लोगों का लाख कॉलेज का और ये हमने बजट बना के दिया, आपने उस पर काम किया। सर ठीक कह रहे हैं कि कुछ बजट फेल हो जाती है राजभवन से, जैसे मान लीजिए कि सीनेट अभी बहुत से महाविद्यालय का संबंधन करके सीनेट की बैठक नहीं है, सिंडिकेट की बैठक, सिंडिकेट की, यहाँ से जैसे संबंधन हम लोगों ने दे दिया कि 33 कॉलेज को संबंधन दिया जाए, सारे को उसने रिजेक्ट करके 33 को रिजेक्ट, समझ रहे ये बात, हम सहमत, हम जानते भी हैं। जो खाली हम अगर यहाँ से पास करा दे, और पास कराने से हो नहीं, अब हम आपको बता रहे हैं, आपने एक चीज पे दिया, हम 10 चीजों का दे रहे हैं जो पास हो गया। पहला आपने सीनेट पे पास किया कि परीक्षा भवन वहाँ जाएगा, उस पे 36 लाख, सुन लीजिए पैसा का जो बात है, नहीं अभी हम कंप्लीट नहीं, आप बोल लीजिए, जो आप बताए ना कि जो पास होता है, जैसे बजट है, तो बजट में जो पास होता है, तो जैसे बहुत से कॉलेज मान लीजिए कि वहाँ पर कोई पढ़ाई अलग, तो दो तरह से अभी
चल रहा है। अगर सरकार उसको सैंक्शन दी है, एप्लीकेशन दे दी है, उसको एप्लीकेशन दे दी है, तब तो वो सरकार का जो गाइडलाइन है कि मुफ्त पढ़ाएंगे या जो फीस लेंगे सरकारी वो है। दूसरा है कि नहीं, गवर्नर साहब ने किया है कि बहुत सा स्कीम जो है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत, सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब अपने कमाइए और अपने लोगों को उसमें रखिए पढ़ाने वाले को और उसको वेतन दीजिए, तो वो अपने कमाइए का मतलब हो गया कि छात्र वहाँ नामांकन लेंगे तो नाम से ही शुल्क लेना होगा, जरूर जरूर तो शुल्क उनसे उसमें बढ़ जाती है राशि, उसको तो कोई मिलता नहीं है पैसा, सरकार के यहाँ से कोई पैसा नहीं मिलता है तो उसको चलाना है, तो वो सरकार के यहाँ से नियम में ही मिलता है, वो अपने हिसाब से वे पैसा ले सकता है। ये तमाम बातें और कोई सवाल तीनों का सर जवाब सुन, पहला किसान का कि बहुत सारे नियम पास नहीं होते, इंटरनल सोर्स से उसको पैसा दे दीजिए, परीक्षा विभाग वहाँ बनेगा, वो छात्रों के लिए एग्जाम लेने के लिए बना था उसको परीक्षा विभाग बना दिए, ये कैसे पास हो जाता है कि यहाँ के लोग, अफसर आप सुनिए, अब आप मैंने आपका सुना है, सुनिए ये कॉलेज में कैसे एप्लीकेशन ही तो है सर, एप्लीकेशन आपने कहा कि महाराजा कॉलेज, तो महाराजा कॉलेज को हटाने से किसको फायदा है बताइए, किसी को नहीं है, तो आप उससे लिए क्यों नहीं लड़ रहे, हम क्या कह रहे हैं सरकार, महाराजा कॉलेज को अगर गलत हटाया तो आज का सिंडिकेट उस पर विचार कर सर, ये नहीं है सिंडिकेट पे विचार कीजिए, और दूसरा कीजिए और दूसरा प्रस्ताव पास हुआ घेराव के दौरान छात्र घेराव कर रहे थे, सर पेपर में क्यों बोलते हैं, तो कुछ भी बोल दीजिएगा, आप अधिकारी हैं, बीए सब लोग तीसरा की जो 28 नंबर पे एग्जाम लिया गया उसको 28 नंबर पे ही बच्चे को पास कीजिए, आपने पेपर 28 को दिया, 33 पे तीसरा चीज, अरे सर पेपर में 28 नंबर का सर, एग्जाम लेते समय जो क्वेश्चन पेपर मिला था उस पर लिखा था कि पासिंग मार्क्स 28, लेकिन जो नया यूजीसी का नियम आया है, क्या नाम है उसका, एसीटी क्या नाम है हम तो नहीं जानते हैं, उसमें कहा गया है कि 45% मार्क्स इज मैंडेटरी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीबीसीएस, जब रिजल्ट घोषित किया गया तो उसमें बताया गया कि आप लोग आपका 28% जो लड़का 28 नंबर आया होगा, जैसे कोई रेगुलेशन आ जाता है इसमें अधिकार जो है, मान लीजिए अगर हमारे यहाँ से मान लीजिए 28 नंबर का बात है, मान लीजिए उसने लिखा जी सर, बाद में कहीं से आ गया कि नहीं अब उसके ज्यादा नंबर आया है, भाई भाई सर को जब कसन हो जाएगा, जैसे 28 नंबर पर है, हम अगर बाद में रेगुलेशन आ गया 45 नंबर से, आज हम 28 का अगर हम पास करके डिग्री भी दे दे तो कल के दिन में आप ही परेशानी में पड़िएगा, मगर क्या कैसे हो सकता है, या तो 45 के लिए हम लीवरेज ले, गवर्नर साहब से बात करें रेगुलेशन का, लिख के दें कि भाई उनको हम 28 पर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और अगर दे सकते हैं